एक लड़की बहुत ट्रबल क्रिएट करती है, तो उसके स्टेप फादर उसे बहुत ही डेंजरस से कैंप में भेज देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी इलीगल चीजें चलती है। उसी लड़की का बॉयफ्रेंड उस लड़की को ढूंढते हुए उसी कैंप पर पहुंच जाता है। अब आगे क्या होगा ये आज की हमारी मूवी बूट कैंप, जो 2008 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है, इसमें हमें पता चलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है बेन। वो एक शॉप में काम करता था। उसके शॉप में एक लड़की आई जो कहती है, तुमने मुझे एक बहुत ही घटिया चीज सेल की थी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये लड़की और कोई नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड सोफी ही थी। उसे लेकर गए और ये दोनों मेकआउट करते हैं। एक पार्टी होने वाली थी, यहाँ पर सोफी ने उसे इनवाइट किया। सोफी के घर पर उसके पेरेंट्स ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था। एक्चुअल में उसके फादर की 2 साल पहले डेथ हुई थी। उसकी मदर ने किसी और से शादी कर ली है। सोफी को अपने स्टेप फादर अच्छे नहीं लगते, तो उसे जलील करने के लिए उनके फ्रेंड्स के सामने उसने एक वीड की सिगरेट उसे दिखाई। कहती है, क्या ये आपकी है? इसे स्टेप फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने उसे एडमिट करने के लिए कहते हैं कि उसने अभी अभी झूठ कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफी और बेन की पार्टी चल रही थी। बेन ने नोटिस किया कि सोफी के आर्म पर एक निशान है। उसके स्टेप फादर ने उसे बहुत ही जोर से पकड़ा था, तो ये बहुत ही लाल हो चुका था। सोफी बेन से कहती कि मुझसे शादी कर लो, इसके बाद मुझे मेरी मदर के पास नहीं रहना पड़ेगा। बेन कहता है, हमें इस रीजन की वजह से शादी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये रीजन होना चाहिए। ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे तभी वहां पर कुछ अजीब से लोग पहुंच गए। वो जबरदस्ती सोफी को वहां से लेकर जाते हैं। बेन सोफी के पेरेंट्स से पूछता है कि ये सब क्या हुआ, तो पेरेंट्स ने कहा कि सोफी को इस सब की जरूरत थी, उसे अब वो एक कैंप में भेजने वाले हैं। बेन कहता है कि आप उसके साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? जिस कैंप में सोफी को भेजा गया है ये कोई भी नॉर्मल कैंप नहीं, जो बच्चे ट्रबल क्रिएट करते हैं उन्हें इस कैंप में भेज दिया जाता है, जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। अब इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सजा भी दी जा सकती है। अगली सुबह जब सोफी को होश आया तो फिजी के एक आइलैंड पर थी। उसके साथ कुछ और भी लड़के थे जिन्हें भी इस कैंप में भेजा गया था। इन सबको जबरदस्ती बीच के पास ले जाया जाता है। सबका आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनके पैर में एक डिवाइस लगा दिया गया। इस डिवाइस में ट्रैकर था जिससे कोई भी बचकर भाग ना सके। यहाँ सिक्योरिटी का हेड लोगन था। लोगन सबसे कहता है कि कोई भी यहाँ से बचकर जा नहीं सकता क्योंकि आसपास पूरा पानी है, तैर कर कभी भी किनारे तक तुम नहीं पहुंच सकते। इन सबको फिर एक सीमेंट के स्क्वायर से बांध दिया गया। लोगन कहता है कि हम सबको स्ट्रांग बनाने वाले हैं, जितने जल्दी तुम सीख जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रात में किनारे पर पानी आने लग गया, ये सब लोग डूबने लग गए थे। पूरी रात खुद को बचाने के लिए तड़पते रहते हैं। अगली सुबह इस कैंप का ओनर नॉर्मन इनके पास है, उन्हें वेलकम करता है। सोफी कहती है कि ये किस तरीके का वेलकम है, रात भर हमें तड़पना पड़ा था। नॉर्मन ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हें फील हुआ, तुम यही चीज अपने पेरेंट्स को इतने सालों तक फील कराते आ रहे हो, वो भी तुम्हारी वजह से स्टक थे। इस कैंप में तुम्हें सही तरीके से बिहेव कैसे करना है ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। दूसरे लड़के नॉर्मन को गालियां देने लग गए थे, एक को इन्होंने बहुत ज्यादा मारा। इन सबको एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था एलन। एलन यहाँ पर पिछले 2 साल से थी और अब इस आइलैंड से वो जाने वाली थी क्योंकि अब वो सुधर चुकी थी। एलन सबको यहाँ पर सारी चीजों को लेकर गाइड करती है। बाकी कैंप के सारे स्टूडेंट ने ब्लैक शर्ट पहने हुए थे। वो कहती है ये तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड रिप्रेजेंट करता है, जैसे जैसे तुम में सुधार आएगा उसी तरीके से टी शर्ट का कलर हम चेंज करेंगे, पहले येलो होगा उसके बाद व्हाइट और इसके बाद वो घर जा सकते हैं। सोफी जिस कैंप में थी वहां पर उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था ट्रीना। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि एलन जब यहाँ पर आई तो उसकी कंडीशन क्या थी। एलन ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा फैट थी, अब यहाँ पर रहने के बाद वो शेप में आ चुकी है, उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। वो फैट थी तो इस वजह से टेंशन में खुद को हर्ट करती थी, अब उसका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। घर पर बेन ने सोफी की मदर से बात करने की बहुत कोशिश की, वो बार बार उसे कॉल करता था। एक दिन फिर सोफी की मदर बेन से मिलने के लिए आई। बेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि सोफी ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। बेन पूछता है कि वो कैंप कहाँ है, सोफी की मदर ने उसे बता दिया। बेन ने कहा कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोफी की मदर को बुरा लगा और वहां से चली जाती है। बेन ने उस कैंप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। वो घर में अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया, उसने एक ड्रग डीलर से ड्रग्स बाय किए, खुद को इंजेक्ट करने लग गया था। इसी के पैरेलल में सोफी को यहाँ एडजस्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है। इन दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। एक दिन कैंप में सोफी ने देखा कि इस कैंप में एक होल भी बनाया हुआ है, जो लड़के कुछ बात मानते नहीं उन्हें इस होल में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही डेंजरस पनिशमेंट थी। एक दिन सब लोगों को एक जगह पर बुलाया गया।
ट्रिना को सबके बीच में खड़ा किया जाता है। नॉर्मन कहता है ट्रिना को यहाँ आए हुए 3 वीक हो चुके हैं। अब ट्रिना ने जो भी किया था उसके बारे में उसे कन्फेस करना था। ट्रिना को सबके सामने बताना गलत लग रहा था तो नॉर्मन ने कुछ बच्चों को चूज किया। ये सारे मिलकर ट्रिना को पुश करने लग गए, मारने लग गए। फाइनली ट्रिना कन्फेस कर देती है। वो कहती कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही रिलीजियस है, मेरा किसी लड़के के साथ होना ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनसे बदला लेने के लिए एक रात मैं बहुत सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी, इसी वजह से उसे स्कैम में डाल दिया गया। उसने जो भी किया उसे गलत लगता है और इसके लिए वो शर्मिंदा भी थी। सब लोग आकर फिर उसे गले लगाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। पैरेलल में बेन ने ड्रग डीलर से बहुत सारे ड्रग्स लिए थे, इस वजह से वो ड्रग डीलर डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच जाता है, बेन को मारकर वहां से चला गया। ये सारी चीजें बेन के पेरेंट्स ने देखी, उन्हें सब कुछ पता चल गया था। वो गुस्से में बेन को भी उसी कैंप में भेजने का डिसाइड करते हैं। कैंप में एक रात सब लोग बहुत ही खुश थे। सोफी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। ट्रिना उसे बताती है कि आज चिकन है, पर ये चिकन बाकी सारे लोग खा जाएंगे, उन्हें लास्टली ये मिलेगा ही नहीं। ट्रिना को चिकन बहुत पसंद था तो एक पीस लेकर वो छुप कर खा रही थी। ये सारी चीज लोगन देख लेता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे स्पेशल हो, ये पीस तुम रिजर्व करती हो, अगर मैंने इस बात को रिपोर्ट कर दिया तो तुम कभी भी इस स्कैम से नहीं निकलोगी, मैं तो अभी तुम्हें येलो शर्ट दिलवाने के लिए रिकमेंड करने वाला था। ट्रिना कहती कि प्लीज ऐसा मत करना। लोगन ने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ट्रिना भी यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए उसे कुछ भी बोलती नहीं। रात में बहुत बड़ा तूफान आया, इसमें सबके टेंट टूट चुके थे, इसे फिर से बनवाने के लिए सब लोगों को काम दिया जाता है। ट्रिना को सबका लीडर बना दिया गया था। काम करते करते सोफी बहुत ही ज्यादा थक गई, कहती कि प्लीज मुझे आराम करने दो। ट्रिना ने कहा कि अगर तुमने काम नहीं किया तो हम सबको सजा होगी। सोफी मानती नहीं तो ट्रिना ने सबको ऑर्डर दिया कि वो सोफी को बहुत मारे, और सब लोग वैसा ही करते हैं। ये सारी चीजें कैमरे में नॉर्मन देख रहा था। वो अपनी कलीग मैरियन से कहता है कि जब भी हम इन लोगों को कुछ बुरा करने का चांस दे तो ये हमेशा वही करते हैं, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते, इसी वजह से सारे यहाँ पर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन भी अब कैंप में आ चुका है। वो सोफी को देखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक दिन सोफी को नॉर्मन ने उसके पास बुलाया, उसे दूध बिस्किट ऑफर करता है। सोफी कहती है ये तुम्हारी ट्रिक क्या है, मुझे कुछ अच्छा देकर मेरी थेरेपी करो, मैं इस तरीके से तुम्हारे स्कैम में आने नहीं वाली। बाकी सब लोगों को लगता होगा तुम बहुत ही लाइफ चेंज करते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। नॉर्मन फिर भी उससे क्वेश्चन पूछता है, उसने कहा कि तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें यहाँ भेजा क्यों। सोफी कहती कि मेरे स्टेप फादर ने मुझे यहाँ भेजा, मेरी मदर कभी भी ऐसी बात नहीं करती। सोफी को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है। रात में बेन सोफी के पास आकर बैठता है। सोफी को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, पर एक दूसरे को जानते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलने दे सकते थे। एक सीक्रेट जगह इन्होंने डिसाइड की और वहां पर जाकर मिल गए। बेन ने सोफी को कहा कि वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है। वो कहता है कि अब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें बचाने के लिए आए हो। सब सोकर सोफी के आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन बेन की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें से एक लड़का था जिसे स्विमिंग आती नहीं थी, पर फिर भी जबरदस्ती उसे करवाई जाती है। वो आज ऑलमोस्ट डूबने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोगन और ट्रिना के बीच में डील हुई थी, इस वजह से ट्रिना को येलो टी शर्ट मिल जाता है। अब सोफी को भी यहाँ आए हुए 4 वीक्स हो चुके थे तो सबके सामने कन्फेस करने के लिए उसे बुलाया जाता है। वो कन्फेस कर नहीं थी तभी सबको बुलाया गया और सोफी को बहुत मार दिया। रोते रोते फिर सोफी ने सब कुछ कन्फेस किया। उसने कहा कि मैंने झूठ कहा था, मेरे स्टेप फादर की पार्टी चल रही थी जिसमें मैंने कहा कि वो मेरे रूम में आकर रोज रात मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। इनसे उन्हें बहुत ही ह्यूमिलेट होना पड़ा था। सोफी को बहुत पछतावा आता है कि इस तरीके से वो झूठ बोली। आज रात बेन और सोफी ये दोनों फिर से मिले। बेन यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा था। सोफी उसे कहती है कि शायद ये प्लेस मेरे लिए अच्छा है, मैंने झूठ कहा था और इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बेन कहता है कि जिस तरीके से लोग हमें ट्रीट करते हैं इस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट में सब लोग खेल रहे थे। एक लड़का था जो बेन को बहुत ही परेशान कर रहा था, वो हर बार उसे मार कर नीचे गिरा देता था। बेन ने भी उसे दूर रहने की वार्निंग दी, पर फाइनली बेन ने चिढ़कर उसके प्राइवेट में जोर से मारा। इस कैंप के सारे स्टूडेंट को कहा गया था कि आप इस तरीके से लेटर लिखो जैसे आपके पेरेंट्स आपको लेटर लिख रहे हो। ये सब लेटर्स नॉर्मन को मिलने के बाद सोफी का लेटर वो पढ़ता है। सोफी ने लिखा था कि जैसे उसकी मदर ने उसे बहुत ही स्वीट लेटर लिखा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारी चीजें फेक कर रही थी और ये बात नॉर्मन को पता चल गई।
नॉर्मन की कलिंग मैरियानो से कहती है, तुमने इस स्कैम को इसी तरीके से बनाया, यहाँ पर कोई भी झूठ कह सकता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। नॉर्मन के जो भी सब तरीके हैं ये हमेशा उसे सही लगते हैं, इसमें उसे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि सबके पैर में ट्रैकर था। बेन स्लोली स्लोली इस ट्रैकर को किस तरीके से डीएक्टिवेट करते हैं सारी चीजें सीख लेता है। उसने फिर सोफी को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया। नॉर्मन जब पेरेंट्स की कॉन्फ्रेंस लेने के लिए गया हुआ था तभी उसके ऑफिस में जाकर जल्दी से चुरा लेते हैं। मैरियन भी ऑफिस में थी पर यहीं पर वो सो गई थी। बहुत ही चालाकी से उन्होंने अपना पासपोर्ट यहाँ से निकाल लिया। नॉर्मन की आइलैंड पर बोट थी जो लेकर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। एक बहुत ही अच्छे से होटल में आए जो बेन ने ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब अगली सुबह प्लेन से यहाँ से निकल जाने वाले हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे, आज यहाँ इंटीमेट हो गए। अगली सुबह निकल पाते उससे पहले ही कैंप के लोग यहाँ पर पहुंच गए। वो फिर से उन्हें पकड़ कर कैंप में लेकर जाते हैं। नॉर्मन सबसे कहता है कि बेन और सोफी ने जो भी किया इस वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। 3 महीने के लिए आप सबको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। इनके यहाँ के जो होल्स थे इनमें इन दोनों को डाल दिया गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन को जो तकलीफ देता था उस लड़की का नाम था डैनी। डैनी की अब कन्फेस करने की बारी आती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने किया क्या। डैनी कहता है कि मेरे स्कूल को मैं बॉम्ब से उड़ाने की इंटरनेट पर बात कर रहा था, ये मेरे पेरेंट्स ने देख लिया और यहाँ मुझे भेज दिया गया। ये सिर्फ एक मिस्टेक थी, मैं इंटरनेट पर एज ए कैरेक्टर बात कर रहा था, एक्चुअल में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। वो नॉर्मन से कहता है कि तुम भी तो एक रोल ही प्ले कर रहे हो कि हम सब की तुम केयर करते हो पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मन को इस पर गुस्सा आया और सब मिलकर डैनी को बहुत मार दिया। अब 1 वीक बीत चुका था और सोफी और बेन को होल से निकाल लिया जाता है। नॉर्मन ने बेन से बात की, उसने कहा तुम्हारी वजह से सोफी की जो भी प्रोग्रेस हो रही थी ये भी स्टॉप हो गई। मुझे पहले से तुम्हारे और सोफी के बारे में पता था पर फिर भी मुझे देखना था कि तुम क्या करोगे। वो बेन से कहता है नेक्स्ट फ्लाइट लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे। बेन इस बात से बहुत ही अपसेट हो गया, वो सोफी से बात नहीं कर रहा था। तो सोफी कहती कि हुआ क्या। बेन कहता है मैं यहाँ से दूर चला जाओ, उसके बाद ही तुम यहाँ सही तरीके से इम्प्रूव हो सकती हो। बेन जाने वाला है सुनकर सोफी को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोगन आजाद फिर से टीना के पास आया। उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी वो, लोगन उसे जबरदस्ती करता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, वो रो रही थी। ये सारी बात सोफी ने देख ली। सोफी कहती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। टीना ने उसे सब बातें बता दी। अगले दिन जब ट्रेनिंग चल रही थी फिर से सब लोगों को स्विमिंग करने के लिए कहा गया। जैसे कि हम पता है कि बेन को स्विमिंग नहीं आती तो सबके पीछे था। सब किनारे पर पहुंच गए। बेन नोटिस करता है कि डैनी पानी में डूब रहा है। उसने लोगन को बताने की कोशिश की पर लोगन कहता है कि डैनी को खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। बेन ने खुद जाकर डैनी को बचाने की कोशिश की पर डैनी मर चुका था। लोगन भी डर गया। वो बेन से कहता है कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम सबको बताएंगे कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमेशा मैं तुम्हें इसी कैम्प में रखूंगा। ये बात बहुत ही बड़ा इशू बन गया था। नॉर्मन ने लोगन को अपने पास बुलाया। वो कहता है अब मैं तुम्हें इस कैम्प में नहीं रख सकता। लोगन कहता है तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्मन कहता है कि तुम यहाँ इलीगली हो, मिलिट्री को मैं कॉल करूंगा और तुम्हें घसीटते हुए लेकर जाएंगे। नॉर्मन फिर लोगन को सबके सामने लेकर आया। वो उसे भी अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए कहता है। लोगन ने जिनके साथ भी गलत किया था वो सारे मिलकर उसे कन्फर्म करते हैं। रीना ने उसे पूछा और कितनी लड़कियों को तुमने मजबूर किया ये लो टी शर्ट दिलवाने के लिए। बाकी लड़कियां सामने आई। ये सारे मिलकर लोगन को बहुत मारते हैं। बेन डैनी की डेथ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सबसे कहता है यहाँ पर सब चीजें गलत चल रही है, हम सबको मिलकर इस कैम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सब लोग इसके लिए मान गए। हर जगह पर वो आग लगा देते हैं। लोगन मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी में यहाँ से भाग रहा था। भागते भागते अपनी गाड़ी से उसका कंट्रोल चला जाता है और एक जगह पर जाकर वो टकरा गया। वहां पर ऑलरेडी आग लगी हुई थी। निकलने की उसने बहुत कोशिश की, सब लोग उसे देख रहे थे पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। उसकी जलकर ही डेथ हो जाती है। फाइनली बेन और सोफिया नॉर्मन के ऑफिस में आए। नॉर्मन ने कहा तुमने आज प्रूव कर दिया तुम जैसे बच्चों को कैम्प की जरूरत है, अब हमेशा पेरेंट्स डरते रहेंगे, ये कैम्प कभी भी बंद नहीं होगा। नॉर्मन के पास गन थी, उन्हें मारने वाला था तभी बेन ने उस पर हमला कर दिया। बेन के पास भी चाकू था, वो नॉर्मन को मार सकता था पर उसने नहीं किया। नॉर्मन मौके का फायदा उठाकर गन लेकर शूट कर देता है पर उस गन में कोई भी गोली नहीं थी। नॉर्मन की कलीग मेरियान ने ऑलरेडी इससे बुलेट निकाल ली थी। मेरियान कहती है कि कभी ना कभी इन सारी चीजों को बंद पड़ना ही था।
नॉर्मन जिस होल में सबको डालता था, सबने मिलकर उसे उस होल में डाल दिया। यहाँ पर जो भी होता है इसके बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया। फाइनली सब लोग इस आइलैंड से निकल गए थे। मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि 1970 से इस तरीके की अलग अलग कैंप्स है जिसमें बहुत सारे बच्चों को भेजा जाता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती, तो अंदर उन्हें कितना भी टॉर्चर किया जा सकता है। अब तक इस तरीके की कैंप में 40 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। नॉर्मन को जो लगता था कि सबको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, लाइफ में टफ बनाना सिखाना चाहिए, उसका मानना सही था, पर तरीके बहुत ही ज्यादा गलत थे। वो इन बच्चों को हेट करने लग गया था, इसी वजह से फाइनली उन्हें मारने के लिए भी वो रेडी था। इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।